अच्छा जी, तो इस हिजाब के बारे में, ये ज्वेलरी मैंने कैसे सेट की है, बहुत ज़्यादा मुझे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे बार बार पूछा जा रहा था, कहा जा रहा था कि मैं ये हिजाब लुक्स जो है आपके साथ शेयर करूं, तो फाइनली आज शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ हमारा जावेद। जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर दोबारा से वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले आपने ज्वेलरी को सेट करना है। ज्वेलरी को हम कैसे सेट करेंगे, मैंने एक माथा पट्टी ली है जो कि बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है। तीनों तरफ हमने सेफ्टी पिन लगाई है, तीनों साइड्स पर जो उनकी जगह बनी होंगी उनमें पहले आपने सेफ्टी पिन डालनी है और उसको आपके इनर के साथ अटैच करना है। यहाँ पर कोई लाइट वेट जो इनर होगा वो काम नहीं करेगा, आपको दुपट्टे की सूरत में ये क्रिएट करना होगा। मैं बता दूंगी कि मैं ये दुपट्टा किस तरह सर पे जो है बांधती हूँ, ये भी मैं बता दूंगी। इस तरह एक शिफोन का मैंने पीच पिंक सा दुपट्टा लिया है, बहुत प्यारा कलर है, बहुत सूट करता है मुझ पर। अब आपने क्या करना है, एक साइड छोटी रखनी है, एक साइड बड़ी करके अब आपने हल्का सा अंदर जितना मैं दिखा रही हूँ उतना फोल्ड करना है। अब आपने क्या करना है, एक साइड को आपने उठा के जो छोटी साइड है उसको अगेन अपने इनर के साथ अटैच कर देना, ठीक है। और यहाँ पे आपने नॉर्मल जो पिन्स होती हैं वो लगा लेनी। अब जो हमारी बड़ी साइड है, ठीक है, उसको हमने एक साइड से होल्ड किया है और दोनों साइड्स पे हम पिन लगा रहे हैं। पिन क्यों लग रही है, क्योंकि नीचे बाल नहीं और बहुत अच्छे से दुपट्टा ज्वेलरी हर चीज़ इसलिए होल्ड हो रही है क्योंकि नीचे लाइट वेट इनर नहीं है, बाल नहीं है, हमारा बहुत हैवी दुपट्टा है जिसको मैंने बड़ा ही वॉल्यूमाइज करने के लिए दुपट्टे को एज अ जूड़ा बना के लगाया हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बड़ी साइड को उठा के डालना है ऊपर सर की तरफ। अब आप आराम आराम से उतना ही फोल्ड करेंगे जितना आपने पहले स्टार्टिंग में दुपट्टे को फोल्ड किया था, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, फ्रंट में आपने बीच में सॉरी आपने जो है पिन अटैच करनी है, यहाँ साइड्स पे दोनों तरफ लगानी है ताकि इसके बाद आपको जितना भी वॉल्यूम क्रिएट करना है, जितनी लेयर्स बनानी है ना, आपका दुपट्टा इधर उधर ना जाए। ऐसा ना हो कि आप वॉल्यूम डालते जा रहे हो, यानी आप लेयर्स डाल रहे हो और वो जी हिलता जाए। अब बेशक आप पिन्स निकालें, यहाँ पे मैंने एक रेड पिन लगा ली थी। अब देखिए आप सिंपल, आपको कोई टाइम नहीं है आपके पास, जल्दी से आपको करना है तो आप वो सीधा अपना बॉर्डर उठा के डाल लें। उसके बाद अगर आपको सेकेंड लुक में बता दूँ तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से वॉल्यूम क्रिएट करना है, ठीक है। ऑलरेडी हमारे दुपट्टे का जो जूड़ा नुमा हमने बनाया है नीचे इनर की तरह, उसका इतना अच्छा वॉल्यूम है, उसके ऊपर जब आप लेयर्स क्रिएट करेंगे ना, बड़ा ही अच्छा वॉल्यूमाइज आपका लुक आएगा। मुझ पर इतनी लेयर्स सूट नहीं करती। अब आपने साइड से दुपट्टे का एक लेयर उठाना है, जो फ्रंट हमारी कवरेज है वहाँ से उठा के आपने दोनों तरफ पिन अटैच कर लेनी, तो आपका नकाब भी हो जाएगा। जो लोग नकाब करना चाहते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है ये लुक। अब आपने क्या करना है, उन्हीं लेयर्स के ऊपर आपने अपना बॉर्डर उठा के दुपट्टे का जो बॉर्डर होगा उसको उठा के डाल देना है। तो अगर आपके दुपट्टे पे बहुत ही खूबसूरत काम है या कोई भी आपके दुपट्टे पे पैच वगैरह लगा है तो बड़ा ही हसीन लुक आने वाला है। चलें जी, तो जल्दी से जाएं और ये हिजाब लुक ट्राई करें, मुझसे शेयर कीजिएगा आपको कैसा लगा है। मेरी इंस्टाग्राम आई डी हमारा जावेद36 चाहिए, जल्दी से फॉलो कर लीजिए। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है, वीडियो को करना है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करना नहीं भूलना। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।